हाई एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल मस्ट बी फिट एंड फाइन। सो आज के कॉन्सेप्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एपिफेनोमेनलिज्म के बारे में। ये कॉन्सेप्ट जो है एपिफेनोमेनलिज्म का, यूजीसी नेट के लेटेस्ट पेपर्स में पूछा गया है। आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन था, बाउंसर क्वेश्चन था, बट हमें जरूर इसके बारे में पता होना चाहिए। तो एपिफेनोमेनलिज्म का जो डॉक्ट्रिन है, इज्म है, ये माना जाता है कि फर्स्ट टाइम यूज किया विलियम जेम्स ने। दैट इज ही ब्रॉट फॉरवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एपिफेनोमेनलिज्म, जिसके ऊपर हक्सले ने भी बहुत वर्क किया। अब ये डॉक्ट्रिन क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन, मेंटल प्रोसेसेस जो हमारे ब्रेन में होते हैं, दे आर एन इम्पैक्ट ऑफ बॉडीली प्रोसेसेस, या फिर कुछ न्यूरल इम्पल्सेस होते हैं जिनकी वजह से हम मेंटली कोई चीज या कोई इवेंट या एक्टिविटी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत मीठा खाते हैं और ब्रश नहीं करते हैं और आपके दांतों में इन्फेक्शन हो जाता है, यानी देर इज सम एक्टिविटी बाय योर सेल्स देयर एंड उसका रिजल्ट क्या होता है कि आप पेन फील करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपको मैं देती हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते और आप एक दिन जो है बहुत वॉक करते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या है कि जो आपकी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और उसका रिजल्ट क्या है कि आप क्रैम्प्स फील करते हैं, आप पेन फील करते हैं। तो दिस इज व्हाट एपिफेनोमेनलिज्म इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ये बहुत ही डिबेटेड इज्म रहा है एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट सेज, दैट योर मेंटल स्टेट्स आर एन इम्पैक्ट ऑफ योर फिजिकल स्टेट। सो दैट इज ऑल अबाउट एपिफेनोमेनलिज्म। आई होप यू लर्न द कॉन्सेप्ट वेल सो दैट यू कैन आंसर द क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ स्टूडेंट्स एंड I will see you very soon.